तो जी टॉपिक हमारा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर आप इस वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म को ब्रेक करें ना तो आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, एक होता है पॉली और एक होता है मॉर्फिज्म। ठीक है, अब मॉर्फिज्म जो है वो मॉर्फिक से निकला है, मॉर्फस से या मॉर्फिक से निकला है। ठीक है, मॉर्फिक का मतलब होता है अंदाज, बिहेवियर। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा पॉलिनोमियल, वो टर्म्स अब पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो ये हम टीचर कहते हैं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फिर बता टीचर ये भी बताती है बेटा ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि ना इसके अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन है, यानी दो टर्म्स हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो इसका मतलब है ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, प्लस वन या जो भी है, प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी नंबर्स। ठीक है, मैनी नंबर्स या मैनी न्यूमेरिक वैल्यूज या मैनी न्यूमेरेबल वैल्यूज। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आप कह सकते हो कि बहुत सारे नंबर्स या बहुत सारी वैल्यूज या बहुत सारे वेरिएबल वगैरह या टर्म्स बेसिकली बहुत सारे। ठीक है, या मल्टीपल टर्म्स बेसिकली एक या एक से ज्यादा, एक तो नहीं एक तो टर्म कहलाएगी, बेसिकली दो या दो से ज्यादा टर्म्स जो होती हैं वो आपकी पॉलिनोमियल में आ जाती हैं, यानी एक्सप्रेशन जो फिर एक्सप्रेशन बन जाता है और वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा तो चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक बात सही है। ठीक है, बट हमें ये देखना है कि अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ना होता है मैनी बिहेवियर्स। ठीक है, जब आप क्लासेस बनाते हो उनके मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं, उनके बिहेवियर्स एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे हमने शायद एग्जाम्पल सुनी हो या आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, कोई कार्टून आता था ट्रांसफॉर्मर्स के नाम से बचपन में, मैंने तो कार्टून देखा है उसकी, मैंने सुना है मूवी भी आई है शायद कोई। ठीक है, मैंने तो कार्टून देखा है उसका, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा। एक कार्टून होता था ट्रांसफॉर्मर के नाम से। ठीक है, अगर आप लोगों ने बचपन में देखा हो तो शायद आपको याद हो। अब ट्रांसफॉर्मर कैसे होते थे कि वो इतफाक से वो एक का नाम याद आ गया, ऑप्टिमस प्राइम याद आ गया। एक एक रोबोट होता था, एक ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता था, उसका नाम होता था ऑप्टिमस प्राइम। होता क्या था कि वो जी वो एक चल रहा है, ठीक है, एक पूरा रोबोट असल में वो, यानी वो उनकी दुनिया में या जो भी उस पूरे कार्टून में कह रहे हैं वो असल में तो रोबोट होते थे, लेकिन ना अब इंस्टेंटली वो एक दूसरे के कंपेटिटिव होने के लिए अपना शेप बदल लेते थे। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, एक ट्रांसफॉर्मर ने एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल करना है। ठीक है, तो अगर वो रोबोट की तरह चल के या वही रनिंग करके जाएगा, ठीक है, तो आई थिंक इट विल टेक अ बिट ऑफ लॉन्ग टाइम। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी ये सारी चीज़। अगर वो यही काम प्लेन के थ्रू करे, क्या पता प्लेन का एक्सेस हो ना हो, ठीक है, तो प्लेन से कर सकता है। फिर अगर वो यही काम, लेट से मैं कहूँ कि वो यही काम किसी कार के थ्रू करे, यानी वो अपने आप को कार में कन्वर्ट कर ले, प्लेन में नहीं कार में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, जाहिर रोड का एक्सेस हो ना हो, अगर प्लेन का नहीं है तो रोड का होगा, रोड का नहीं है तो प्लेन का तो हो गई होगा। ठीक है, लेट से फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी द ट्रांसफॉर्मर कैन ऑल्सो ट्रेवल बाय मीन्स ऑफ लेट से बाय मीन्स ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो आई वुड से कि अगर वो कोई शिप बन जाए, कोई पानी का जहाज या इस तरह की कोई चीज़ बन जाए, कोई यॉट बन जाए, ठीक है, तो भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी है ये भी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते थे, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते थे। तो यही क्या होता है, हमारी क्लासेस अपना बिहेवियर चेंज कर लेती हैं। ठीक है, अब वेन रिक्वायर्ड, जब कोई रिक्वायरमेंट होती है ऐसी, तो क्लासेस क्या कर सकती हैं अपना बिहेवियर को आपस में, यानी अब अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की ही एक एग्जाम्पल तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखाऊँ क्लासेस की सूरत में। ठीक है, तो हमें पहले तो फोल्डर बनाना पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी करके रखूँ। हाँ, अब देखो मेन सबसे ज़्यादा जो क्लास होगी ना, एक मेन क्लास होगी वो होगी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर.cs। ठीक है, सो लेट से एक ट्रांसफार्मर कौन कौन सी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है भाई, एनीवन जो जाग रहा हो?
जी भाई, एक ट्रांसफॉर्मर का कोई नेम हो सकता है, ठीक है, और वो रन कर सकता है, लेट से उसका एक नेम हो सकता है ना भाई, किसी का भी, कार का भी। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक तो असल प्रोडक्ट है, ठीक है असल में वो चीज़ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो लेट से मैंने कहा प्राइम, वही ऑप्टिमस प्राइम नाम है इसका, तो इस ट्रांसफॉर्मर का नेम हो सकता है। अच्छा, फिर वो कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। अब मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक आपको इनहेरिटेंस पढ़ाई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ नेम्स यूज किए थे, अब मैं यहाँ पर फंक्शंस भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक, तो एक ट्रांसफॉर्मर दौड़ भी सकता है, रन भी कर सकता है, ठीक है। क्या देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर रनिंग हो गया, ठीक है। सिंपल एक फंक्शन बनाया, अच्छा, ऐड क्लास, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के अलावा भी लेट से मैं उसके कौन कौन से बिहेवियर, तो एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो और क्या क्या हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मर एक शिप में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को, जो पानी की शिप्स होती हैं, ठीक है। लेट से बाय मीन्स ऑफ वाटर ट्रेवल करना है, या बोट के थ्रू या यॉट के थ्रू, ठीक है। तो शिप डॉट सी एस, ठीक है। अब एक शिप लेट से क्या कर सकती है, पानी पे फ्लोट कर सकती है, ठीक है। और शिप का भी क्या हो सकता है जी, कोई कोई वेरिएबल में कोई नाम दे लो, ठीक है। कोई नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आप दे लो के, नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ जो टर्बाइन होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, बट मैं फिलहाल दे रहा हूँ कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वेरिएबल आप देख चुके हो, वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। मे बी अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे अगेन पूछ लो। लेट से मैंने कहा पब्लिक वॉइड, अब ये शिप जो है फ्लोट कर सकती है, फ्लोटिंग ऑन वाटर। अभी मैंने जो है ना इसको सही से नहीं किया। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में और भी एक सेक्टर होता है, उसमें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग होती है, जहाँ पे एक और जगह होती है जो कि ये थोड़ा सा वो मेथड्स वगैरह जो है वो उनका बिहेवियर ज़रा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी अगेन ज़ाहिर है इसी क्लास में वो भी करेंगे, बिकॉज हमने पॉलीमॉर्फिज्म कवर करना ही है। ऐड कर लेते हैं एक और क्लास, क्योंकि अब एक ट्रांसफॉर्मर एक कार में भी कन्वर्ट कर सकता है ना अपने आप को, तो कार डॉट सी एस हमने कर ली। अभी कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और एक कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, इज ड्रिवन, कार इज ड्रिवन, ठीक है। अच्छा, एक और क्लास बना सकते हैं, लेट्स से अगर उसने प्लेन में जाना है, ठीक है, ऐड, तो हम यहाँ पे प्लेन डॉट सी एस, या हेलीकॉप्टर, ठीक है, या एयरप्लेन, एयरप्लेन डॉट सी एस अगेन, ठीक है। और लेट से मैंने कहा कि जी पब्लिक एयरप्लेन डॉट सी एस, तो प्लेन इज फ्लाइंग, प्लेन इज फ्लाइंग, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये सब ट्रांसफॉर्मर है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मर है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मर है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मर है। तो ये एयरप्लेन जो है ना, ये भी ट्रांसफॉर्मर को इनहेरिट कर रहा है, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। फिर ये कार भी एक ट्रांसफॉर्मर है, यानी ये जब चाहे अपना अपने आप को चेंज करके ट्रांसफॉर्मर बन जाए, ठीक है।
ये सब अपना बिहेवियर चेंज करके ट्रांसफॉर्मर बन सकते हैं। लेट से मैं ट्रांसफॉर्मर से अगर मुझे मेथड मंगवाना है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पर आता है? सर ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक है, तो हमने पहले भी किया है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो मैं क्या बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर मैं ये कहूँ कि इसकी टाइप क्या है, तो मैं कहूँ यार इसकी टाइप जो है ना वो तो है ट्रांसफॉर्मर की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक है, वो कौन कहा था? अब देखते हैं टी आर में कौन कौन से मेथड होंगे डॉट, तो जरा देखो इसके अंदर कौन कौन से मेथड थे। इसके अंदर ना ड्राइव का मेथड नहीं है, तो जरा सब लोग एक्टिव हो यार, काइंडली माइक्स ओपन करें अपने, अगर एक्टिव होंगे तो मुझे समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी और मुझे आप लोगों को भी जरा आसानी होगी समझने में। ठीक है, हो ये रहा है कि अभी ना बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो कार का कॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो मेथड्स किसके चल रहे हैं? मेथड्स भी कार के ही चल रहे हैं, नेम और रन जो है ये कार से ही आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर से नहीं आ रहा। बेसिकली कार में क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, जरा अगेन यहाँ पर आओ व्हाइट बोर्ड पर, मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक शेयर हो जाएगा, वैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो और स्टार्ट न्यू व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफार्मर हो गया ना, ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, मैंने कहा यार इसके अंदर इसका कोई नेम है, तो मैंने कहा अगेन इसका कोई मेथड है रन का, इनका मेथड है, तो इसके मैंने इसमें सॉल्व कर दिए। फिर अगेन मैं गया, मैंने कहा यार इशू ये है कि मैंने ना एक और भी क्लास बनाई है कार की, और क्लास में भी कार क्या कर रही है, इसको इनहेरिट कर रही है, तो कार इनहेरिट कैसे करेगी? कार ऐसे इनहेरिट करेगी, ऐसे ही कार ने इनहेरिट किया इसको, ठीक है, तो ये कार की जो क्लास है यहाँ पर आ गई, इसके अंदर भी क्या चीजें आ रही है? जी इसके अंदर आ रहा है ड्राइव का मेथड, ठीक है, तो इसके अंदर एक ड्राइव का मेथड है, और दायरे ड्राइव का मेथड है तो इस तरह से होगा, ठीक है भाई, और ये इनहेरिट कर रही है ट्रांसफॉर्मर को। अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जो कि इस कार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना वो इस कार का ऑब्जेक्ट है, ये देखो कंस्ट्रक्टर भी इस कार का कॉल हो रहा है, इसके अच्छा सबके कंस्ट्रक्टर भी बना दो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टर की एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, वो होती है CTOR टैप टैप, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। सबके कंस्ट्रक्टर्स भी यहाँ पे जरा डिफाइन कर दो, ये शिफ्ट का कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर मैंने क्लास में डिफाइन किए हुए हैं, हम पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है,
कहा ये कार का है, ठीक है, तो अगेन ये कार का कंस्ट्रक्टर हमारे पास हो गया। और ये आ गया हमारे पास एयरप्लेन का। अब प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं विदाउट कॉलिंग एनी मेथड। ये कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी उसी का बना होगा जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो कार का कॉल हो रहा है या किसका हो रहा है? तो देखो कार का हो रहा है और देन किसका हो रहा है, ट्रांसफार्मर का। तो असल में सीन ये, सॉरी ट्रांसफार्मर का हो रहा है देन कार का हो रहा है। इसका मतलब है ट्रांसफार्मर क्योंकि इनहेरिटेड है, ठीक है, कार में, और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्टर आना है। लेकिन मेथड ना, ये जो रन का जो मेथड है या नेम की, जो नेम का बेसिकली जो पैरामीटर, नेम का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये कहाँ से आएगा? जिस टाइप की क्लास है ना वहां से। तो इस टाइप की क्लास है। लास्ट क्लास में तुम लोग कहते हो हमने ऑब्जेक्ट बनाते हुए ये भी डिस्कस किया था कि टाइप मैटर करती है, ठीक है। तो जिस टाइप की क्लास है उस टाइप की चीजें आएंगी ओनली, यानी इसमें मेथड से सारे कार से ही आएंगे, लेकिन वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्योंकि कार में इनहेरिटेड है, तो ट्रांसफॉर्मर के मेथड आएंगे कार से, ठीक है। किसके मेथड आएंगे कार से? किसके मेथड आएंगे? मेथड्स ट्रांसफॉर्मर के ही आएंगे। मेथड्स यहाँ पैरामीटर पेरेंट क्लास के आएंगे बट फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ठीक है, बिकॉज चाइल्ड क्लास वॉज इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लास। कार वॉज इनहेरिटिंग ट्रांसफॉर्मर्स, दैट वाई वी जस्ट गॉट द मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड इवन वेरिएबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। हमें मेथड्स और वेरिएबल्स जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स के मिलेंगे बिकॉज द कार इज इनहेरिटिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, एंड इट्स बेसिकली इन इट्स टेरिटरी। अब सीन ये है कि ठीक है डन है सर, हमें समझ में आ गया कि मेथड्स या वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, वो ट्रांसफॉर्मर से आएंगे लेकिन कार के थ्रू, ठीक है। तो ये इसने बिहेवियर अपना चेंज किया, पहले क्या करते थे डायरेक्टली करते थे, अब ये इसने अपना बिहेवियर जो है ना वो चेंज कर लिया। तुम बुलाना चाह रहे हो जी, तुम के लेट से हम कुछ कहना चाह रहे हैं डॉट। ऑप्टिमिस्ट तो मैंने कहा TR डॉट तो ऑप्टिमस नाम भी आ गया, ठीक है, यानी वही वाली बात है, मेथड मुझे वहां से मिला और ऑप्टिमस का नाम भी आ गया, सही है। तो इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो असल में मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि इस तरह से हमने डील करना है। अब पॉलीमॉर्फिज्म एक और तरीके से भी काम करता है। मेनली जो पॉलीमॉर्फिज्म में चीजें यूज होती है ना, यही अपने बिहेवियर्स को चेंज करने में या आप बताने में कि भाई देखो मेरा बिहेवियर इस तरह चेंज भी हो सकता है। तो मेनली कुछ चीजें यूज होती हैं और वो होती है मेथड ओवर लोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। मेथड ओवर लोडिंग क्या होती है और मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं दो अलग प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, एक मेथड ओवर लोडिंग के लिए और एक मेथड ओवर राइडिंग के लिए। आप लोग बताओ कैसे करें, या तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट बना लो या तो इसी में यहाँ पर दो अलग फोल्डर्स बना लो, बताओ क्या करें? काइंडली माइक ओपन करके बोलना। जी भाई क्या करें, अलग प्रोजेक्ट बना लें? चलो ठीक है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ दोनों में, मुझे कोई इतना इशू नहीं है, तो चलिए तो दो प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं अपने पास,
लेसन नंबर है 16। ये मेथड ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि लेट से वही हम एक फोल्डर बनाते हैं अपना कॉम का, तो नॉर्मली बनाते हैं और इसके अंदर एक क्लास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग तो बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, मेथड ओवर राइटिंग भी इजी तो बहुत होता है, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास हो, कोई इतना इशू नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं। बट इसको लेट से मेथड ओवर लोडिंग करनी है मुझे और मैं क्लास बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार स्टूडेंट। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक सिंपल मेथड बनाते हैं, void display display name। ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा, ये कह देगा आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं साथ साथ। ठीक है, और ज़रा इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ हो गई है, डॉट कॉम में से ये वाला ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, स्टूडेंट में एक मेथड था डॉट डिस्प्ले नेम का, कंट्रोल एस कंट्रोल एफ फाइव, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा कट रही है आवाज मेरी, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है मेरी। जहाँ कटने लगे फॉरन बताएं, ऐसा आप लोग इस समय बोल भी नहीं रहे ना, बिल्कुल खामोश चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी आवाज़ की क्वालिटी कैसी जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप लोग ज़रा मेरे साथ बोलते रहें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एस टी डी डॉट डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम किया तो हमने क्या देखा कि नेम जो है वो डिस्प्ले हो गया। लेट से मैं कहूँ कि नहीं ये नेम मुझे डिस्प्ले करना है, जो स्टूडेंट अपना नेम पास करे वो नेम, यानी पैरामीटराइज मेथड बनाना है सर मुझे। पब्लिक वाइट ठीक है, तो यही सेम नेम रखना है मुझे। यही सेम नेम रखना है ठीक है, और तो देखो अभी रेड लाइन आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, ये रेड लाइन कह रही है कि यार आप ना सेम नेम नहीं रख सकते। ठीक है, इसी पैरामीटर यानी इसी इसी मेथड का। ठीक है, खुद सोचो कि जब मेथड जाएगा
कंपाइलर क्या करेगा, दो मेथड्स को बुलाएगा, दो मेथड्स आ जाएंगे फौरन हाजिर हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट ज़रा रुके, एक मिनट ज़रा सर शेर उसको कहता हूँ कुछ करते हैं ये।
अच्छा अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने जो भी काम किया, हमने बात ये की कि आप लोगों ने देखा हमने मेथड ओवर लोडिंग का थोड़ा सा ना बेसिकली स्टडी किया। मेथड ओवर लोडिंग क्या होती है? अगर मेथड ओवर लोडिंग को देखा जाए, मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो मेथड बनाए विद सेम नेम्स और विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया डिस्प्ले नेम का, ठीक है, और देन क्या हुआ उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया, कौन उसको बेसिकली प्रिंट कर दिया उस मेथड के अंदर कुछ, और देन अदर मेथड क्या किया, क्रिएट दैट मेथड बट एडिड अ न्यू पैरामीटर और अ सिग्नेचर, ठीक है। तो एक बेसिकली एक सिग्नेचर ऐड किया उसके साथ, ठीक है, और सिग्नेचर या पैरामीटर जो भी आप कह लो उसको मैंने नेम जो है वो नाम बेसिकली असाइन कर दिया, नेम के नाम से बेसिकली मैंने बनाया, उसकी टाइप स्ट्रिंग थी। अब मेथड्स तो हैं सेम नेम से, लेकिन क्या है उनके पैरामीटर्स आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमेना होता है ना, ये सारा जो सीन होता है, ये मेथड ओवर लोडिंग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये? मेथड ओवर लोडिंग, गुड, ठीक है। तो मेथड ओवर लोडिंग, अच्छा अब इन मेथड को सिंपली जिसमें आपने यहाँ पर एक पैरामीटर दिया है उसमें आप यहाँ पर जब कॉल कर रही हैं, ठीक है, आप लोग से कॉल कर रहे हो तो एक आर्ग्यूमेंट पास कर दो इस तरह से, ठीक है। लेट से मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट अपनी आईडी भी पास करना चाह रहा है एक मेथड में, ठीक है, मेथड वही सेम नेम का होगा, ये देखो एग्जैक्टली सेम करने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि ये भी शक ना हो कि सर डिफरेंट कर रहे हैं दोनों तीनों मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग नेम आई एम दिस नेम, तो मेरा नाम ये है और मेरी आईडी क्या है ये। अब देखो एरर नहीं आया इसके अंदर भी, मेथड है सेम नाम से है डिफरेंट पैरामीटर है, लेकिन इन दोनों में एरर नहीं आया क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि भाई ये पहला वाला जो है ना वो उठाया था इसमें यूजर ने, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर था डॉट। अब मैं जरा इसको ना सिर्फ इसके कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ थ्री, इसका मतलब है कि ये मेथड जो है ना वो कितने ओवरलोड करता है। मैं अगर देखे जाऊँ यहाँ पर, ये देखो सैरो को नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पर एक पैरामीटर है इसके अंदर, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट अगर और मजीद तो फिर क्या हो गया, दो पैरामीटर्स हैं नेम आईडी और नेम, उनके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेथड ओवरलोड करता है दो मेथड्स को, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ अब देखो अब एरर आ रहे हैं यहाँ पर, पहले वाले में एरर है क्योंकि पहला वाला आईडी था तो आईडी ऐसे पास करते हैं, ठीक है, कंट्रोल F5। तो देखो आई एम अली एंड माय आईडी इज 1, तो मैंने 1 पास की तो क्या हो गया, आईडी यहाँ पर क्या हो गई 1। तो ये तो मेथड मेथड ओवर लोडिंग हो गई। सर ये किस काम आती है? देखो ये जब काम आती है, जब आप कभी ऐसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें कोई भी डिवाइस है वो दो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, लेट से आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो में दो कैलकुलेशन के मैकेनिज्म है जो कि वैल्यूज को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि एक जो है ना एक दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है और एक तीन वैल्यूज को ऐड कर रहा है। फंक्शन का नाम ऐड ही होगा लेकिन एक फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज को ऐड करके दिखा रहा है, एक फंक्शन में आप और मजीद चीजें ऐड करवा रहे हो, दो से ज्यादा डेट से आपके पैरामीटर हैं या दो से ज्यादा चीजें, तो वो फिर क्या होगा कि वो डिफरेंटली वर्क करेगा, ठीक है, वो मेथड ओवर लोडिंग काउंट होगी, ठीक है। काम आपका सेम है लेकिन क्या हो रहा है, आपके पैरामीटर्स या उस मेथड के जो सिग्नेचर है, ठीक है, वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक इट फॉर मेथड ओवर लोडिंग। अगर आप चाहे दो क्लासेस में मेथड ओवर लोडिंग कैसे होती है, तो देखो मैं इसकी एक और क्लास बनाता हूँ, मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई ना अभी, अब मैं बनाता हूँ एक और क्लास स्टूडेंट टू के नाम से, एड स्टूडेंट टू टू डॉट,
स्टूडेंट टू डॉट सी एस हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो डिस्प्ले नेम को यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं इनहेरिट भी करना चाह रहा हूँ किसको, स्टूडेंट को। ठीक है, और सेम नेम में डिफरेंट पैरामीटर्स अभी एरर देगा। तो यार आप कौन सा मेथड कॉल करें, ये देखो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है और होवर कर रहा हूं तो देखो क्या कह रहा है। होवर कर रहा हूं तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट टू डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है, हाइट्स इनहेरिटेड मेंबर स्टूडेंट्स डॉट डिस्प्ले नेम। यानी स्टूडेंट टू वाला जो मेथड है वो हाइड कर रहा है पहली वाली जो क्लास थी ना, स्टूडेंट्स वाली क्लास, उसका जो मेथड था डिस्प्ले नेम उसको। ठीक है, तो ये सीन है। अब ये होती है मेथड ओवर राइटिंग, लेकिन मैं इसको मेथड ओवर लोडिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बहुत ईजी है। मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट ना ये भी बताना चाह रहा है कि उसकी एज क्या है। ठीक है, लेट्स से तो अभी मेथड ओवर राइटिंग, मगर मेथड ओवर लोड हो गया अभी। ठीक है, तो कॉन्केटेनेशन ये हो गई। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। तो भाई अब जो क्लास बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट बनेगा STD2 का। अगर मैं इसे डायरेक्टली कॉल करूंगा तो जाहिर है ये इनहेरिट कर रहा है क्लास वन के मेथड को। ये देखो, तो सिर्फ आई एम ए स्टूडेंट आ गया। ठीक है, इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन लगा दो ताकि डिफरेंस पता चलता रहे। तो ताकि बीच में अभी क्लास टू का ऑब्जेक्ट बना है इस वक्त। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट का सेकंड, देखो नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से मैं इसी को ओवरराइड करके ये सारी चीजें पास करूँ ना तो ये भी हो जाए। ठीक है, यानी मल्टीपल एक ही मेथड बना के इसके मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहूँ और मैं इसको वन पास करूँ कॉमा। तो ये देखो थर्ड वाला मेथड बन गया। कौन सा मेथड बना ये वो वाला मेथड बना जो कि स्टूडेंट टू में से आ रहा है। ठीक है, वरना वो सारे मेथड्स पहले के स्टूडेंट वन में से, स्टूडेंट में से आ रहे थे। तो देखो अब ये एरर मुझे शो करेगा और मुझे पता है कि एरर किस चीज़ का है। ये देखो, आई एम अली एंड माई आई डी इज दिस एंड माई एज इज, तो एज आ गई 21। ठीक है, तो ये होती है मेथड ओवर लोडिंग, दैट यू क्रिएट मेथड्स विद सेम नेम्स बट विद डिफरेंट पैरामीटर या और यू कैन से दैट डिफरेंट सिग्नेचर। एनी प्रॉब्लम इन इट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई।
फिर हम देखेंगे मेथड ओवर राइटिंग क्या होती है, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब वो तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, मेथड ओवर राइटिंग की तरफ चलते हैं, इसका प्रोजेक्ट भी ज़रा सेव कर लेते हैं। सो न्यू तो ये नया प्रोजेक्ट बन गया। अब मेथड ओवर राइटिंग क्या होती है, आप दो क्लासेस में जल्दी से बना लेता हूँ नेट से, और मैं बना लेता हूँ एम्प्लॉय और स्टूडेंट की। ठीक है, फोल्डर बना लेते हैं, ये एम्प्लॉय और पर्सन और एम्प्लॉय की, बिकॉज पर्सन और एम्प्लॉय में काफ़ी कुछ चीज़ सेम होती हैं। ठीक है, ये पर्सन और स्टूडेंट की, तो वो भी सही रहेगा, पर्सन और स्टूडेंट की बना लेता हूँ। ठीक है, पर्सन और स्टूडेंट, और पर्सन के अंदर क्या करते हैं कि पर्सन के अंदर दे देते हैं पर्सन पब्लिक, सारी प्रॉपर्टीज का तुम लोगों को पता है, मैं सिर्फ जो डिफरेंस कर रहा हूँ मेथड के साथ खेलना है मुझे असल में। तो ये ईट करता है, ईटिंग, ठीक है, और पर्सन ईट्स यानी बंद, एक इंसान जो है वो शख्स से खाता है। ठीक है, फिर मैं कहूँ यहाँ पे इसको मैं इनहेरिट कर लूँ, पर्सन को इसमें इनहेरिट कर लूँ, और एक और मेथड यहाँ भी बनाऊँ। ठीक है, स्टूडेंट ईट्स, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी भाई, लेट से ईटिंग का, अच्छा ईटिंग ना मेथड का, तो मेथड का नाम जो है वही सेम हो गया है। अब यहाँ चलते हैं और मेथड यानी प्रोग्राम बनाते हैं, किस चीज़ का, स्टूडेंट का। ये यूज हो गया कॉम वाला फोल्डर, तो क्लास बन गई है। ठीक है, डॉट ईटिंग, लेट से क्या चलता है, तो देखो स्टूडेंट ईटिंग आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट ईट्स, लेकिन एक इश्यू है ना कि हम कैसे समझेंगे क्या आएगा। ये हम कैसे समझें कि क्या आएगा, देखो हम ये खुद भी कर सकते हैं। लेट से मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई कौन सा मेथड आना है, कौन सा मेथड नहीं आना, कौन सा मेथड शो होना है और कौन सा मेथड शो भी नहीं होना। लेट से मैं कहूँ कि मुझे बताना है कि मैं इस पर्सन को शो नहीं करना चाहता, मैं स्टूडेंट को शो करना चाहता हूँ, जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो पता है क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे पब्लिक वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है, और फिर इस मेथड को आप क्या कर दोगे, पब्लिक ओवरराइड। तो अब तो कंफर्मेशन है कि आपका जो मेथड है
प्रिंट होगा कौन सा, स्टूडेंट वाला। अब कोई एरर नहीं है, उस वक्त जो वार्निंग थी यहाँ पर, अब कोई वार्निंग है नहीं। हालांकि इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी वार्निंग के ये मेथड जो है वो अपनी एक पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। ये ओवरराइडिंग होती है, लिख लिया अपने पास कहीं। ओवरराइडिंग में क्या होता है, ये लिख लिया सबने। मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग इसमें क्या होता है कि मेथड्स ओवरराइडन, ओवररिटन कह सकते हो, ओवरराइडन कह सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि आप मेथड्स को जो कि सेम नेम है, सेम पैरामीटर्स है, आप क्या कर सकते हो, उनको ओवरराइड कर सकते हो। जो हमने दो कीवर्ड अभी देखे, उन कीवर्ड्स के जरिए आप किसी भी एक क्लास के मेथड में दूसरे क्लास को ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ओवरराइड का सीन समझ में आया आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पर्सन की क्लास बनाई, देन पर्सन की क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम था ईटिंग। मैंने कहा कि जी पर्सन ईटिंग, पर्सन ईट। फिर मैंने एक और मेथड बनाया, मैंने एक मेथड बनाया स्टूडेंट के नाम से, अब एक क्लास बनाई और देन उस पर भी मैंने ईटिंग के नाम से मेथड बना दिया। ठीक है, सेम मेथड इन डिफरेंट क्लास। ठीक है, बस ये स्टूडेंट जो है वो इनहेरिट कर रहा था किसको, वो इनहेरिट बेसिकली कर रहा था ये पर्सन को। दैट पर्सन के बाद हुआ सीन ये है कि भाई जब पर्सन की जो इनहेरिटेंस उसमें हो गई स्टूडेंट में, तो ज़ाहिर पर्सन का मेथड भी चला गया। अब ईटिंग जो है वो स्टूडेंट को दो तो नज़र आने लगे, तो उसने बोला यार ऐसा करते हैं कि जो पर्सन का मेथड था ना ईटिंग, उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है, और अपना मेथड शो कर देते हैं। सही है, तो एक तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड ओवर राइडिंग हो ही रही थी, ऐसे ही होता है। और फिर एक और तरीका ये होता है जो हमने अभी परफॉर्म आपके सामने किया, हमने अभी जो डेमोन्स्ट्रेट किया आपके सामने। अब ये दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। अगर आप कीवर्ड यूज नहीं करोगे तो कोई ना कोई चांसेस हैं, लिख लो कि आप फंसोगे आगे काम करते हुए। ठीक है, आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वो आपकी जो है ना, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, फंस जाओगे। लेकिन अगर आप सही से काम करोगे तो फिर इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि मेथड ओवर राइटिंग करो, ज्यादा बेहतर है। दिखा जरा पर्सन डॉट सीएसएस वाला दिखाइएगा। देते हैं, तो मेथड ओवर राइटिंग का जो कीवर्ड है ना ओवर राइट का, वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज कुछ केसेस के अंदर अगर आप नहीं लिखो ना कीवर्ड तो फिर इश्यूज होते हैं, आपकी क्लासेस में एरर आना शुरू होते हैं और फिर सी शार्प उनको हैंडल नहीं कर पाती। अच्छा, ओवर वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि गायब हो जाना, हाइड हो जाना, डिसेबल हो जाना। ठीक है, वर्चुअल का मतलब जैसे गायब हो जाए, अभी मैं कहूँ आप क्लासेस ले रहे हैं, आप कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहूँ आप वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, यानी यदि ऐसी क्लास में आप बैठे हैं जो नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ आपकी क्लास चल रही है अभी। ठीक है, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि आप मत आपके घर से कोई आए कि बेटा आप क्लास ले रही हो, तो आप कहेंगे जी मी मैं क्लास ले रही हूँ, जी भाई मैं क्लास ले रही हूँ। लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आप कौन सी क्लास में बैठी हुई हो, तो आपको कि मैं वर्चुअल क्लास के अंदर अभी जाओ पर कनेक्टेड हूँ। प्रोग्राम भी प्रोग्राम भी देख लें, तो आप लोग ये कहोगे हम लोग वर्चुअल क्लासेस के अंदर जो है वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी क्लास ही होती है।
जी हो गया। जी मैं एक आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का भी, एनीवन?